हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्मज शेडिंग सीखेंगे। बहुत इजी है। फर्स्ट टोन, सेकंड टोन, थर्ड टोन का यूज़ करेंगे हम, ठीक है। मैं करके दिखाता हूँ, आप सब उसको ध्यान से देखना। इसमें मैंने ड्राइंग कर दिया है। ड्राइंग करके मैंने इसमें फर्स्ट टोन का शेडिंग HB पेंसिल से या 2B पेंसिल से मैंने हल्का हल्का शेड दे दिया है। मैं उसको आगे कंटिन्यू करता हूं, आप सब उसको ध्यान से देखना। 2B पेंसिल मैंने लिया है, ये हमारा फर्स्ट टोन। मैं ये फर्स्ट टोन है, अभी फर्स्ट टोन हल्का हल्का मैं ऐसे इसमें दे रहा हूं। ये फर्स्ट टोन दे दिया, यहाँ पे एकदम लाइट रहेगा, ये पार्ट में लाइट रहेगा। ये फर्स्ट टोन मैंने दे दिया। अब मैं सेकंड टोन दे रहा हूँ, सेकंड टोन 4B से, 4B यूज कर रहा हूँ। ध्यान से आप सब देखना। ये मैंने सेकंड टोन दे दिया, ठीक है। अब मैं थर्ड टोन दे रहा हूँ, 6B यूज कर रहा हूँ। ये 6B पेंसिल, थर्ड टोन दे रहा हूँ। थर्ड टोन थोड़ा कम रहेगा और थोड़ा सा डार्क रहेगा। ठीक है, ये मैंने थर्ड टोन दे दिया। अब हम इसको थोड़ा मिक्स कर देंगे, इसको ब्लेंड कर देंगे। ब्लेंड करने के लिए मैंने दो टूल लिया हुआ है। एक इस तरह का टूल आता है, नहीं तो आप ये एयरबड ले सकते हैं, नहीं तो पेपर का भी आप एक ठो रोल बना के उससे भी इसको ये कर सकते हैं। तो मैं इसको इसको यूज़ कर रहा हूँ, इसको यूज़ करके इसको मिक्स कर दे रहा हूँ, स्मज कर दे रहा हूँ, ये स्मज हो जाएगा। इस तरह से हम इसको ब्लेंड कर, मैंने इससे किया। अब थोड़ा सा मैं इससे करके दिखाता हूँ, एयरबर्ड से।
मैंने इसको स्मर्ज कर दिया, ब्लेंड कर दिया दोनों को। यहाँ पे हल्का सा ये हमारा यहाँ शेडो आ जाएगा, शेडो ये शेडो आ गया, इस तरह से शेडो आ गया। ये लाइट है तो ये डार्क होगा। ये डार्क हुआ और ये डार्क है तो ये लाइट होगा। ठीक है, ये हमारा स्मज स्मज शेडिंग, और इसको हम इसको ब्लेंड करना है, ब्लेंड स्मज करना और ब्लेंड करना दोनों एक ही है। ये आज मैंने आपको करके दिखा दिया। आई होप आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा, और इसको घर में थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा। शेडिंग प्रैक्टिस थोड़ा घर में करते रहिएगा, उसी से आपका धीरे धीरे शेडिंग इम्प्रूवमेंट होगा। ओके, बाय।